हेलो, वेलकम बैक टू ट्रैवल हिमाचल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक बहुत ही ब्यूटीफुल शहर, वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस शहर का नाम ही है सुंदरनगर। तो यहाँ पे एक जो यहाँ के अंतिम राजा थे, उन्होंने एक मंदिर बनाया था, महामाया टेम्पल। उसी पे आज हम वीडियो बनाएंगे और उसी मंदिर की हिस्ट्री आज हम आपको बताएंगे कि ये मंदिर कब बना और क्यों राजा ने इसे यहाँ पे बनाया था। तो चलिए फिर करते हैं आज की वीडियो शुरू। और इस मंदिर के आसपास का व्यू बहुत ही सुंदर है, तो मैं यहाँ से दिखाऊंगी कि पूरा सुंदरनगर शहर यहाँ से कैसा दिखाई देता है। तो फिर चलिए चलते हैं आज के सफ़र पे। और मेक श्योर कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस की जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर चलते हैं आज के सफ़र पे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि महामाया टेम्पल जो है वो सुंदरनगर में पड़ता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। और अभी इस टाइम जो आप व्यू देख रहे हैं, ये मंदिर के बाहर से पूरे सुंदरनगर का व्यू है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। कभी आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर यहाँ से पूरा सुंदरनगर शहर दिखता है। ये मंदिर जो है सुंदरनगर की एक पहाड़ी पर बनाया गया है और यहाँ से पूरा सुंदरनगर दिखता है। और ऐसा माना जाता है कि माता महामाया यहीं से पूरे सुंदरनगर की रक्षा करती हैं। तो कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल सा व्यू यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। और ये है माता महामाया जी का टेम्पल जो आपको ऊपर दिख रहा है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ उस समय इसे बनाया गया होगा। और इस मंदिर के बनने के पीछे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको बताते हैं इस मंदिर के बनने के पीछे की कहानी क्या है। अभी हम चलेंगे मंदिर के अंदर। ये सामने मंदिर दिख रहा है और यहीं से एंट्री है मंदिर में जाने के लिए। और ये स्टार्टिंग में ही यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इस मंदिर को सुकेत रियासत या सुंदरनगर रियासत के अंतिम राजा लक्ष्मण सेन जी द्वारा 1932 में बनाया गया था, यानी कि 1932 में बनाया गया था। ये है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर जो एंट्रेंस पे यहाँ बनाया गया है। और बहुत ही ब्यूटीफुली ये मंदिर बनाया गया था उस समय। और इस मंदिर से मुगल कालीन शैली की भी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। तो ये है यहाँ इस मंदिर की एंट्रेंस। तो गाइज, ऐसा माना जाता है कि विवाह के कई वर्षों तक जब राजा के यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो वे चिंतित रहने लगे। और एक दिन सपने में महामाया देवी ने राजा को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पूर्वज प्रारंभ से ही हमारे उपासक रहे हैं। सुकेत राज्य की जो प्राचीन राजधानी पांगना में हुआ करती थी, और वहाँ सदा ही महामाया देवी की पूजा की जाती थी, क्योंकि महामाया देवी का जो मूल स्थान है वो पांगना में ही है। और वहाँ आज भी महामाया देवी का जो है वो मंदिर मौजूद है। लेकिन जब यहाँ पे सुकेत राज्य की राजधानी बनाई गई थी तो यहाँ पे महामाया देवी का कोई भी मंदिर नहीं बनाया गया था, और यहाँ पूजा भी नियमित रूप से नहीं हो रही थी। तब महामाया माता ने राजा को अपनी नियमानुसार पूजन की व्यवस्था करने पर शीघ्र ही उसे पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया था। तब राजा ने महल के समीप ही आधुनिक स्वरूप में प्राचीन शिखर शैली के अनुसार भव्य मंदिर बनाया। और इस मंदिर में नवीनता के साथ साथ मुगल कालीन शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है, उसकी झलक भी देखने को मिलती है। और ये मंदिर जो वो सुंदरनगर के राज्य स्तरीय जो स्टेट लेवल का यहाँ पे फेयर लगता है देवताओं का, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो अभी जो आप देख रहे हैं मंदिर, यही है महामाया देवी का मंदिर, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आज भी इसे वैसे ही रखा गया है जैसा उस टाइम ये बनाया गया था। बहुत ही ब्यूटीफुली इसे बनाया गया है। अभी आगे हम देखेंगे कि इस मंदिर में क्या क्या है। सबसे पहले तो ये हवन कुंड बनाया गया है ट्राइंगुलर शेप में, और इसके सामने ही ठीक एक गुरुद्वारा भी है। उसी के साथ ये छोटी सी बॉडी शायद बनाई गई हो, क्योंकि उस टाइम यहाँ से पानी यूज़ किया जा सकता है। अभी तो फ़िलहाल ये सूखी पड़ी है। और इसके साथ ही आपको जो ऊपर सामने दिख रहा है, ये है गुरुद्वारा। यहाँ लिखा भी गया है प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। और इसी के साथ इस मंदिर में तीन मंदिर बनाए गए हैं। फ़िलहाल ये बंद किए गए हैं कोरोना के कारण, अंदर एंट्री नहीं है। तो हम बाहर से ही मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिखा सकूं। सबसे पहले ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर,
गरुड़ भगवान भी बाहर विराजमान किए गए हैं यहाँ, और कुछ इस तरह से ये मंदिर है। और इसके पश्चात आगे है माता भगवती का मंदिर, और माता भगवती को ही महामाया भी कहा जाता है। तो ये है माता महामाया जी का मंदिर जो बीच में बनाया गया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली ये बनाए गए हैं, और इस टाइम कोरोना काल चल रहा है तो मंदिर की सभी घंटियों को ऐसे लाल कपड़े के साथ कवर कर दिया गया है ताकि कोई भी टच ना कर सके। और इसके आगे शिवालय भी बनाया गया है जहाँ भगवान शिव जो हैं वो शिवलिंग रूप में विराजमान है, जैसे कि अभी ये सामने दिख रहा है हमें। ये हैं भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर। और इस मंदिर में एक शयन कक्ष भी महामाया देवी के लिए बनाया गया है, और ऐसा माना जाता है कि हर रात महामाया देवी यहाँ पे आकर रेस्ट करती हैं। ये आगे आपको मैं दिखाऊंगी। तो इस मंदिर का ये जो हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवती हर रात यहाँ शयन करने के लिए आती ही हैं। कुछ इस तरह से इस कमरे को सजाया जाता है हर रोज़, ये माता रानी जी के लिए बिस्तर किया जाता है। और सामने जो ये आपको दीपक जला हुआ दिख रहा है, ऐसा कहा जाता है कि जब से ये मंदिर बना है तब से ये अखंड दीपक यहाँ जलता रहता है हमेशा। और ऐसा कहा जाता है कि जब सुबह पुजारी मंदिर में आते हैं तो ये बिस्तर सारा इकट्ठा होता है, और जो जल यहाँ रखा जाता है माता रानी के लिए वो बर्तन भी खाली होता है। और इसके साथ ही ये सामने जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है ये है यहाँ पीछे बनाया गया वॉशरूम। और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब सुबह देखा जाता है तो ये अंदर गीला होता है, यानी कि भगवती यहाँ पे स्नान भी करती हैं। तो बहुत ज़्यादा इस हिस्से की मान्यता इस मंदिर में है और लोगों का विश्वास भी है। तो ये है ब्यूटीफुल माता महामाया देवी जी का टेंपल। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये मंदिर जो है वो स्टेट लेवल सुकेत देवता फेयर से भी जुड़ा हुआ है। तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये जुड़ा हुआ है। जब राजा यहाँ के जो अंतिम राजा थे, राजा लक्ष्मण सेन के यहाँ पुत्र हुआ था, और ये पुत्र जो है वो जो मार्च और अप्रैल के नवरात्रे आते हैं उनकी पंचमी तिथि को उत्पन्न हुआ था। तो यही कारण है कि सुंदरनगर का जो राज्य स्तरीय सुकेत मेला है वो पंचमी से नवमी तिथि तक यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। और सुंदरनगर और करसोग के लगभग 175 देवी देवता इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं, और बहुत ही धूमधाम से इस फेयर को मनाया जाता है। हालांकि इस वर्ष ये नहीं मनाया गया है कोरोना के कारण, पिछले साल भी इसे नहीं मनाया गया था। तो अगर ये मनाया जाता तो ज़रूर हम इसकी वीडियो आपके लिए लेके आते। लगभग 4 दिनों का ये फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, और इस दिन जो लास्ट दिन मेले का होता है उस दिन सभी देवी देवता महामाया देवी जी के चरणों में शीश नवाते हैं। यहाँ पूरे शहर के अंदर एक जुलूस या शोभा यात्रा निकाली जाती है, और सभी देवता अपनी श्रद्धा दिखाते हुए माता भगवती के चरणों में शीश नवा के एक दूसरे को गले मिलते हैं। और उसके बाद महामाया जी से मिलने के पश्चात राजमहल जाके राजमहल वालों को आशीर्वाद देते हैं। और इस दिन माता की, महामाया माता की भव्य जो है पालकी सजाई जाती है, और त्रिशूल ये सुंदरनगर की रक्षा करने के लिए एक कार के आगे बांध दी जाती हैं, और सभी देवी देवता सुंदरनगर की, पूरे सुंदरनगर की परिक्रमा करते हैं। और ये जो अभी आपको व्यू दिखा रही हूँ ये मंदिर के पीछे वाला हिस्सा है। यहाँ मंदिर के साथ साथ बहुत सारे कमरे भी हैं, और इस मंदिर में शादियों का आयोजन भी किया जाता है। बहुत सारी शादियाँ यहाँ के आसपास के लोग यहाँ इसी मंदिर में करते हैं। तो इस तरह जब सुकेत फेस्टिवल मनाया जाता है और लास्ट में सभी देवी देवता सुंदरनगर शहर की परिक्रमा करके अंत में जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए होते हैं उनको आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थानों की ओर चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह की स्टोरी है इस मंदिर की, और ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है जो बहुत ही खूबसूरत है। और आज भी ये मंदिर उसी
तरह से खड़ा है जिस तरह का भी ये बनाया गया था, बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा केयर के साथ इस मंदिर को रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा देवी देवताओं के स्थान हैं और बहुत ही प्राचीन भी हैं, जो हमारे इतिहास के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आप कभी अगर मंडी घूमने आते हैं तो ज़रूर यहाँ आइएगा, क्योंकि सुंदरनगर जो मेन टाउन है वहीं पे ये मंदिर है, और कुछ इस तरह से मंदिर से आपको पूरा शहर देखने को मिलेगा, और बहुत ही यहाँ आके एक दिल को शांति मिलती है, क्योंकि शोर शराबे से बिल्कुल दूर ये मंदिर है और यहाँ आपको बिल्कुल शांत एक माहौल मिलेगा। कुछ इस तरह से व्यू है यहाँ से, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये था आज का हमारा सफ़र। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसने हमारी वीडियो देखी है और कैसी आपको ये वीडियो लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए अपनों के साथ। धन्यवाद।